ये तो रीटेक इतने लेते, बिल्कुल परफेक्शन चाहिए मुझसे मिलने पैदल अपने घर से। फिर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इतना बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। माँ को मुझे कुटने का मन कर रहा है यार, इतना भी कब कुटा मैंने तेरे को। सरप्राइज होता सरप्राइज। ओए अपनी प्लेट पे ध्यान दो, दूसरों की नहीं। और अभी तो 100,000 ऑफ रीटेक्स लेंगे। एक घड़ी के लिए मुंह चुप कर। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सारे प्लीज बताइएगा। 15 जनवरी है आज और सुबह के बजे है, जैसे कि बजती ही हमेशा 11, और हमारे हो रही है आज प्लांटेशन। यहाँ पे ये सेब का पौधा है और ये स्पर वैरायटी है। रॉयल नहीं है? नहीं है बेटा, स्पर है। जिस हाइट में हम रहते हैं, मतलब कि मिडल हाइट में, वहाँ के लिए ये पौधा सही है। रॉयल भी है, पर ये वाला पौधा हम प्लांटेशन करेंगे क्योंकि गड्ढे हुए थे ना, जो इधर देखो ये वाले गड्ढे हमारे हुए थे जनवरी में, नहीं दिसंबर में हुए थे, तो अभी ये भर रहे हैं। हाँ, बारिश बर्फ का ही वेट करते हैं। अभी इसमें नमी बहुत है क्योंकि सेब के पौधे की नमी। हाँ, क्योंकि बारिश, अभी बारिश और बर्फ हो चुकी है और सेब ठंडी जगह का प्लांट होता है। तो हम इसको इतना सा ठीक है, इतना सा कट करेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर वाले का क्या करेंगे? इसको तो फेंक देते हैं, ये देखो इस तरह से। फिर इसकी रूट बच जाती है नीचे को। हाँ, फिर ये प्लांट होएगा। अभी हमने बहुत सारे लगा दिए हैं, उधर देखो ना, उधर सारे काटने को उधर से आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। ये हम यहाँ रखेंगे और खुद आगे जाएंगे। आते हैं, ये भी नया पौधा लगा है, ये भी और आगे भी और उधर को भी। और नेक्स्ट वन ये वाला भी यहाँ से कट कर देते हैं। और एक नीचे भी है, गड्ढा भरा जा रहा है और हम चाहेंगे कि हमारे कुछ टाइम में यहाँ छोटा सा बगीचा बन जाए। क्यों रोना तुम जी? हमारे पास बहुत क्षेत्र है यहाँ पर। हाँ, बहुत तो नहीं है पर अपने लायक बतेरे हैं। और मौसम काफी अच्छा है आज, साफ सुथरा। मम्मी, संजू दीदी और भांजियाँ उधर धूप में बैठे हैं। A few moments later. बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ आज क्योंकि आज मुझसे मिले मेरे सब्सक्राइबर आए हैं, बड़े बड़े सब्सक्राइबर। और देखो घर तक पहुँच गए और स्पेशली मुझसे मिलने पैदल अपने घर से। कितना होना है यहाँ से? 2 किलोमीटर तो होगा कि एक होगा? 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। और यहाँ पे पीछे ना ए वाले, यहाँ पीछे से निकल के ना यहाँ से बोल रही है कि हम आपके सब्सक्राइबर आपसे मिलने आए हैं। हमें बेटा आपका अदिति एंड वंशी का। और ये जो है उधर साइड से आए हैं, इस वाली साइड से, उधर साइड। बता दूँ, एक की तो मैं नानी भी हूँ, इस वाली की मतलब कि मेरी मायके वाली फैमिली से है ये। और अच्छा लगता है, थैंक यू बेटा, है ना। फिर क्या सेवा पानी की जाए, थोड़ी देर बस मिलने आए थे। आपके लिए 2 बहनें आ गई और 2 ऑलरेडी पहले ही आई हुई है। और रौनक आज इन्हीं के पास सोया हुआ था, अपनी बहनों के पास। कितनी सारी बहनें दे दी भगवान ने, है ना। और भी है। हाँ, बहुत है ना। अब ये भी हो गए। तो मैं नानी हूँ तो आप मामू हुए ना। मैगी बनाई मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए, बेटे के लिए, और इधर हीरोइन भांजी के लिए। हेलो। और उधर एक हीरोइन भांजी अभी बाल बना रही है। अब हम रील्स बनाएंगे आज दिन भर। तो ये जा रहे हैं अब अपने घर। अच्छा लगता है जो अप्रिशिएट करते हैं, तो चलो बस मैगी खाई और चल पड़े। अब मैं जाऊंगी इनके घर, कभी सोनक भी आएगा ना। जी बाय, है ना। बाय, आराम से जाना है ना। A few moments later. मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है? आज हम खट्टा खाएंगे, आज हमारे खाने वाले भी हैं। यहाँ पर देखिए एक और खाने वाला आ गया। कौन? शेरू। शेरू, हेलो शेरू। शेरू को थोड़ा दूर ही रही हो मैं। और ये बन रहा है आज हमारा खट्टा, जो कि स्पेशल सर्दियों की हमारी शान होती है जब। और मैं नहीं खाने वाला क्योंकि मेरे लिए बहुत। सब खाने वाले हो, बहुत टेस्टी बनने वाला। और नहीं, कल को बहुत पसंद है ना। हाँ, शेरू नहीं भाई, चल यहाँ से, हमारी चीजें खराब मत कर। कन्नू कितना खाएगी? संजय जी कितना खाएंगे?
फिर हम इसको निचोड़ेंगे, इस तरह से खींचना बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, क्या संग दीदी क्या बोलते हैं? इसका ये निकाल देंगे रस सारा, और रस जाता है हमारे भांजू को, जाई भांजी की हमारे उड़ो का। अब इसको हम इस तरह से काटेंगे, अब इस तरह से कट करेंगे इसको, हरा धनिया जो धो के रखा हुआ है, और इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और बहुत सारी मिर्च लाल भी और हरी भी, फिर जाएगा इसमें नमक, इतना ठीक है, बाद में देखेंगे और टेस्ट अनुसार। वैसे इसमें वो भी जाती है, क्या बोलते हैं उसको संजय दीदी, चीनी? नहीं नहीं, मैं तो चीनी डाल रही हूँ ना, शक्कर भी डालते हैं ना, शक्कर को लाकर डाल भरे देते हैं बोरे अंदर से, बहुत सारी चीनी, और उसके बाद इसको फूटेंगे हम, और बीच में फिर ऐसे ऐसे आ जाते हैं, कूटो लो फूट गया, और उसको कूटते बारी उसका ध्यान रखना है जो जिसको ज्यादा कूटने का दिल करता है। मुझे अभी किसका दिल कर रहा है कूटने का, मुझे पता है किसको, माँ को मुझे कूटने का मन कर रहा है, कभी कभार मैं ऐसे ही बैठा होता हूँ पट पीछे से ऐसे ही पटाका पड़ जाता है, नो रीजन फॉर सरप्राइज, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही, नहीं होता भाई सीधा, कभी कभार मैं ऐसे सो जाता हूँ पट सीधा, अब तो दिखाना पड़ेगा नीचे क्या हो रहा है, हाँ। और अभी तो मेरे को पता है मम्मा को मेरे को ऐसी आ रही होगी ना, बस कर यार इतना भी कब कूटा मैंने तेरे को, एकदम इसका पेस्ट बन रहा है, ये हो गया जी हमारा तैयार मसाला, अब जाएगा ये इसमें, वाओ देखो कितना अच्छा लग रहा है, बट मैं आगे नहीं खा सकता मेरे को अजीब लगता है, खाओ गया आप आज इसको, इसके बेहतरीन स्वाद के लिए इसको इस तरह से मिक्स करते हैं, चटनी रौनक इसकी खुशबू मेरे को क्या कर रही है, क्या अट्रैक्ट मेरे को तो ऐसी ऐसी चीजें अच्छी लगती है, चटनी टाइप खा के देखने इसको कितना अच्छा है, ये अगर पुदीना होता तो ज्यादा अच्छा था, तो ये तो चटनी बन जाती पूरी, बांटेंगे हाँ बराबर बराबर, फिर इसका टेस्ट होगा, देखते हैं इसको कितने मार्क्स मिलते हैं 10 out of 10 है ना, मिर्च थी इसमें, कितने मार्क्स देंगे आप 10 में से, लो बुआ को दो, ये लो बुआ जी, कितने मार्क्स दोगे 10 में से आप, 10 out of 10 बहुत अच्छी है, और आप टिप्पणी बहुत है भाई, कितने मार्क्स देंगी फिर 10 out of 10 मजा आ रहा है, खत्म थोड़ा भी नहीं है, अच्छा चलो ठीक है अंकल, कैसा है सच्ची बोलो संजय जी, कैसा है, मस्त है, चलो मम्मी को भी खिलाते हैं, चल रौनक आगे बताओ जल्दी कैसा है, खाने पहले ही होता है इनका अच्छा, कैसा है ये दिखाई जाएगा, बहुत अच्छा जल्दी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, अपनी प्लेट पे ध्यान दो दूसरों की नहीं, अब नहीं खाती ये वाला, खाया जाएगा इतना ठीक है खाओ, टेस्ट करके देखो कैसा है, लो खाओ, इससे ना बीमार नहीं होते हैं, है ना रौनक, हां जी स्वाद तो लेता हूं, हां जी टेस्ट किया इन्होंने पहले, अच्छा लग गया, अब ये खाएंगे और मैं भी खाऊंगी, अब बैठ के क्लास में धूप वाले स्नो वाले, जब सामने स्नो हो ऊपर से धूप लगी हो और इसको खाने का ना सच में बहुत ज्यादा मजा है, आइए आप भी, हमारे तो इसको विजय और बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो जरूर बताइएगा, a few moments later दिन के बजे हैं जी हमारे पूरे, कितना हुआ होगा टाइम, धूप जाने वाली है, और इस छत पे ये बोटल्स जब लगी थी तो पूछते भी थे
और ये आगे हैं जी इधर, इनके लिए भी रखा है मैंने। तो ये बोटल्स हमने लगाई थी, मतलब कि हस्बैंड ने लगाई थी, बोलते रौनक की आंख में लग जाएगी। और हुआ क्या है, परसों रात को मैं डर गई थी, इसमें इस तरह से आवाज आ रही थी ऐसे करके, मुझे लगा क्या हो गया। तो हमने फैसला लिया है जब रौनक आता ही नहीं तो इनको निकाल देंगे। और उधर भांजी भी लगी है, सारी निकाल दी। गर्मियों में हमने जब पिलो आए थे ना, जो हमारे साथ थे वर्कर्स, उनके लिए एक एक देते थे, तो ये रखती थी। इनको अब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, क्या कर रहे हो मम्मा? ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये रील बना रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं लग रहा कि क्या करना है। मम्मा अब क्या कर रहे हो इधर बैठ कर? अब भीख मांगे लोग। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, पार्टनर है सारे आज। तो फिर रील तो आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी, फुल ऑन रील बन रही है। पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं ये, और तो फिर और क्या कर रहे हैं इन्होंने, रील ही बना रहे हैं मेनली। और अभी तो ये हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ रीटेक्स लेंगे, यहाँ पर डिस्प्यूट है। अच्छा मैं वीडियो बनाऊँ कि ये बनाऊँ? बंद करो इसको बाद में करूँ। अच्छा चलो ठीक है। हमने रील्स बनाई बहुत सारी, मेरी रील्स तो वैसे ही होती है, बस बना लेती हूँ फटाफट से, और इनकी बन ही रही है। अब इनको दुपट्टे चाहिए इनकी रील्स के लिए, इनके इंस्टा पे इनको फॉलो कीजिएगा, जागृति कौशल और स्मृति कौशल है ना। लो जी बनाते रहो बच्चे कैसे होते हैं ना, खुश होते हैं बच्चे। और होना भी चाहिए। चलिए अब हम चाय पियेंगे, रौनक के पापा रेस्ट कर रहे हैं, अभी 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 पहुंचे वो। मैंने इनको भी बचा के रखा हुआ है, इनको बचाना होता है, दो पीस बचाए सिर्फ, वो टेस्टी बहुत था, मैंने इतना जैसा बचा के रखा है। कैसा है? मजेदार है, टेस्टी, पर कितने कम बचाए मेरे लिए यार। आपको तो फिर बहुत चाहिए होता है, वो सब बाद में बना देंगे कभी फिर। ये हुए हैं, और इन्होंने पता क्या किया आज पूरा दिन, सब लोग इंस्टाग्राम पे फंसे थे। और ये ना बंदिया और मैं भी एक उनके साथ, एक पूरा दिन तो रील्स बना रहे भी। कोई सो रहे हैं कोई बीच में पड़े हुए ऐसे विदाउट नो रीजन। अच्छा ये तो पता है नहीं तुमने, इन दोनों की मम्मी कहाँ है अभी? रात रात हो गई, हाँ वो गायब हो गए, मतलब कि पहले मतलब की आदत पड़ी हुई है शायद गायब होने की। गिरो मत मेरे ऊपर। हाँ इनके मम्मी अभी दोनों चाचा जी के घर गए हैं बैठने। और चलिए फ्रेंड्स, डैडी अभी बाहर गए हैं, तभी हमने साउंड थोड़ी सी कम की, तभी हमें मौका मिलता है वीडियोस बनाने का, नहीं तो फिर जैसे नाटक रौनक भी देखता रहता है और उसके दादू भी। और कल तीन भी गायब हो गए हैं। हाँ 3 बजे तक सोए, 3 बजे तक बैठे हुए थे कल हम। मैं हाँ मैं और संजू दीदी आपके लिए गप्पे लगाई थी, आपके लिए प्राज रहे थे। प्राज हाँ जी, प्राज होता है किसी की क्रिटिसाइज करना। एक को बुखार चेक करने के लिए मुंह में थर्मामीटर ढाला हुआ, फिर चू चू लगा ये छोटे बच्चे की तरह लगी हुई है जी। तो यहाँ देखो क्या रहा, एक घड़ी के लिए मुंह चुप रखा हुआ ना, बुखार चेक करने के लिए ढाला मुंह, इसमें बीप की, इसमें बीप की आवाज आएगी तब वो अपने आप होगा। क्या देखो उसको लली पॉप से चूस रही है, तेरे बुरे हाल का हो गया यार, ये बच ही नहीं रहा है। हो गया है ना? नहीं है, नॉर्मल है। तो क्यों लग रही है ठंड भाई? पता नहीं क्यों लग रही है, ठंडा बुखार तो नहीं है? ठंडा और गर्म कभी होता ही लगा था कि मुझे बुखार होगा, सेव स्तुति होगी मेरी ठीक ठाक। सेव स्तुति कल नहीं थी, मैं तो गोली भी तैयार करी पैरासिटामोल, पता क्या होने ना, दिन भर दो भांजियां होगी, एक ही होगी साथ, दिन भर लेंटर पे थे रील बनाने लगे हुए, वहाँ पे ऐसी ठंडी हवा लगती है ना। और ये ना घूर रहे थे हम लोगों को, कोशिश थी कि मतलब उनकी, मैंने तो स्वेटर पहन के रखी थी, इन्होंने जो बनाई ना भांजू ने, इन्होंने ज्यादातर हीरोइन बन के बनाई है। ठंड लगी ना पुरुष की, ठंड लगी है हाँ, पर इनके साथ मुझे लगा कि इनके साथ रील्स बनाऊंगी, पर इनके साथ रील्स मेरी
मुश्किल है, ये तो रीटेक इतने लेते हैं, बिल्कुल परफेक्शन चाहिए इनको। मैं जैसे बच्चे आजकल के बच्चे बच्चे हैं। हाँ जी, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो का भी कर देते हैं अब यही एंड। मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।